हेलो जी, राम राम जी। सारे ने आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे से ब्लॉग में। और देखो, इमाम ने चाह पानी पी कर और मैंने आटा भी बेल लिया। और मेरी माँ आज भी रानी मारा गला लड़ाई कर रही है उसका। जा मेरी माँ, जा मेरी माँ से मारता बोले मैं तो आज तक तंग आ रही हूँ और जाऊं घर छोड़ कर। आज जोड़ा पैक कर रही है काल की बेरानी दिमाग में के अरे मेरी माँ का। हेलो, देखो जी मैं भी तैयार। मैं जाऊं मी तेन आ गया रोटी खाने ना। छोड़ क्या होगा मैं बहुत जी मेरी मम्मी जा मां ने छोड़ कर। देखो रोज के मेरे मम्मी मारता बोली तो हमने खून पी लिया। मैं 9:30 बजे आके ट्रेन है, बैठा क्या होगा फिर। मैंने छोड़ के इन दिकड़ जाऊं थी मैं कड़ी नहीं जांदी। छोरा लागे रे रेलवाई में, मैं उस दौर जाके आऊंगी 5-6 दिन लगाऊंगी। हेलो जी, देखो मेरी माँ ने कर लिया है जोड़ा पैक, जोड़ा है भर लिया है। और मीत भी लिया तैयार। और वो आगे देखो बस यह देखो यह भी कौन है, बस टप गई। तो जी देखो आ गई है बस और मेरी माँ चढ़ ली है पंजाब की ड्यूटी पे। गई दादी, दादी गई, बाय कर दे, बाय बोल दे, बाय तो कर दे। पापा भी गया, तू देखिए गया, पापा भी गया। तो जी आपने देखा कि मेरी माँ भी गई और मीत गया है। मेरी माँ ने छोड़न खत बरवाड़ा चढ़ा का होगा ट्रेन में, क्योंकि मेरी माँ ने ट्रेन का ज्ञान को नहीं ना, कदे नहीं पहली बार गई है कदे भी ट्रेन में अकेली गई, इस खातर ट्रेन में बिठाया होगा और आगे तो मैं अपने आप उतार लेंगे। बस एक हफ्ते खातर गया तो नहीं, अभी एक हफ्ते मैं आ जाऊंगी। बाकी देखो मेरी माँ जाकर ना थोड़ा वो करे देख रहे, आज नहीं तड़काऊंगी, आज नहीं तड़काऊंगी। तो बाकी देखो मैम ने कहा लिए एक हफ्ते खतर है। मेरे पापा तो भी कहा था भी कितने दिन में आओगे, बोली एक हफ्ते मैं आ जाऊंगी पक्का मैं। बाकी देखो ये मेरा सारा काम पड़ा था, मैं काम निपटाऊंगी सारा। और घर के गए सारे हमारा बाहर गए। मेरी माँ मीत गया, आपने देखा कि मीत तो गया मेरी माँ ने छोड़न खतर, अंकित गया स्कूल में और मेरे पापा गया दुकान पर। अंकुश ने भी गल्ला ले गया, बोले थोड़ी देर इतने खेल लगा इतने तो कर लिए घर का काम। मैं ठीक है पापा, मैं इतना काम निपटा लूँगी, ले जाओ थोड़ी देर। तो मैंने उसके कपड़े वगैरह पहना के भेज दिया, ओड़ा खेल लेगा इतना मैं अपना काम कर लूँगी। और टाइम हो गया पूरे 9 बज गए, मेरी मम्मी चढ़ी थी 8:30 बजे, 8:30 वाली बस में चढ़ी थी। आधा घंटा हो गया बरवाड़ा पहुँच ली होगी, तो आधा घंटा मैं तो जी फिर मिलांगे थोड़ी देर बाद में। इतने में अपना काम सारा निपटा लूँ, सारा पड़े आज मेरा और मैंने कल ने करना, आज मेरी मम्मी भी कोनी मेरी खातर। तो मिला थोड़ी देर बाद में, इतना मैं सारा काम निपटा लूँ, बाय बाय। तो देखो ये मैंने काम सारा निपटा लिया था और ये बैठी थी क्योंकि काम तो कुछ था कोनी। और ये लाग रही है ये बाहर फिर बैठता है, फिर वहाँ चाय बना लियो। आज मैंने सारा दिन होगा मैंने काम कराया है तो आज चाय बना, क्या दिन का तो हक इनका बना है। तो ये लाग रहे थे आकर देखो चाय बनाना है और मैं भी इतने डिक्को थी के आओगे फिर बना लूंगी। अंकित आने वाला भी, अंकित भी आने वाला हो रहा, अंकित भी आ जाएगा, इतने मेरे पापा भी आ जाएगा। और देखो आज मैं नहाई कोनी क्योंकि मारे पानी कोनी, पानी की समस्या हो रही है। 7 दिन हो गए टूंटी आए ना, 7 दिन तक टूंटी को नहीं हुई है। और कल तो एक ड्राम भर कर लाए थे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर पे एक ड्राम भर कर लाए थे वो कल कल चल रहा, आज सारा सामट रहा। शाम ने देखो टूंटी आओगी नहीं, कमा तो है कि आ जाएगी, टूंटी नहीं आई तो शाम ने फिर मुश्किल होगी पानी बिना। और तब जी देखो आओगी नहीं आओगी। और ये भी लग रही है पतीली चढ़ा दी है देखो चाह का टोपिया। और उसके बाद में फिर क्या टाइम होगी, 3 बज गए। उसके बाद में मैं बना दूंगी सब्जी क्योंकि तो 4 बजे तक लाइट चलेगी इतने बन जाएगी। और फिर शाम ने 6 बजे आओगी तो 6 बजे अगर टूंटी आएगी तो फिर सारा एकदम साथ में काम भी चल जाएगा। इस खातर मैं सब्जी भी बना दूंगी शाम खातर, 4 बजे लाइट जाओगी 4 बजे तक तो बन जाएगी। और फिर रोटी रोटी बनानी रहूगी आराम से, रोटी पोलूंगी मैं पानी भर कर ना। तो ठीक है इमाम पियो चाय, या देखो चाय
हमने चाय चढ़ा रखी है जाड़ी ऊपर दे रखे हमने नीचे अंको सुर का डर रहा नहीं क्योंकि बच्चे और नीचे बोर्ड भी कोई नहीं मारे एक बोर्ड है उसमें मां मीटर लगा रखा है इस खातर ये उर इधर रखे हमने पहले ही नहीं फिर गर्मियों में ये उड़ इधर दिया हीटर बंद कर दिया हमें सर्दी सर्दियाँ मीटर चल मारा। तो जी ठीक है मिलूंगी थोड़ी देर बाद में। तो जी देखो ये मैंने कर लिया था सारा काम और रोटी माम ने भी खा ली और सोन की तैयारी पर हो रही है और आज मारे से बहुत बड़ा फ्रॉड होते होते मतलब होते होते जमा बचा है बहुत बड़ा फ्रॉड हों आज मारे गल है और इतने फ्रॉड चल रहे हैं धरती पर कि देखो सुना उतने कम है आज यो आज यो आज यो तो बेरा नहीं क्यों मतलब लोग आप कमा कर नहीं खाया जाता किसे किसे की कितने कितने मतलब सारी उम्र की कमाई फ्रॉड करकन खाए जे हैं फिर उनका पूरा पट जे है यह चीज़ करकन है उनका बरता तो उनका फिर भी कौन कमाया बिना तो वह देखो होंदा ही होंदा कौन कमाया बिना तो सड़दा सड़ता कौन फ्रॉड करका कितने एक दिन तम वो कर लोगे कि कितने एक दिन अपना घर चला लोगे दूसरे का घर पेट पर लात मार कर अपना पेट कितने एक दिन पालोगे तम यह चीज़ देखो ना। तो भाई सुधर जाओ इस चीज़ में कुछ नहीं धरया फ्रॉड करकन मतलब किसी के पेट पर लात मारनी अच्छी बात को नहीं होया कर दी ठीक है किसी का मतलब कोई जॉब पर लग रहा है कोई दिहाड़ी मजदूरी करकन कर रहा है कि बरा कितने कितने पीछे मतलब कितनी कितनी मेहनत करकन कमाओ और तारा दो मिनट का फ्रॉड में तुम अगले की पूरी जिंदगी खराब कर दो हो सारा पैसा कमाया हो या ले जो हो उसके बाद में आपने के मिला है आपने आपका कितना दिन चल रहा है वो पैसा दो महीने चार महीने साल दो साल फिर भी खत्म तो कदन कदे तो वो ही होगा उसका अंत कदन कदे तो आएगा कदन कदे तो फिर भी आपने कमाना पड़ेगा तो फिर कमाना पड़ेगा आज इतने लोगों की बद्दुआ लेके ना फिर कमान लगोगे तो इब्बे तय ही क्यों को नहीं अपना कमा कर खाते फ्रॉड करके दूसरों पर दूसरों की बद्दुआ लेकर ना के मिलेगा अपने कुछ नहीं हासिल होता इन चीज़ों तय और मेरे द्वारा भी आज मतलब कई केस हो रहे हैं भी सुना भी आज उस गल्ला फ्रॉड होया आज उस गल्ला फ्रॉड होया तो मैं मतलब दूसरा तय सुना हाँ तो उस तो न्यू लग गया कि हाँ ये बस शायद झूठी ये होगी ये ऊँ कहते होंगे तो मारा गल्ला खुद गल्ला भी यह चीज़ बनी है कि मेरे द्वारा खुद का द्वारा मेरे द्वारा फोन आया था किसी का दीपक शर्मा का नाम था वो बंदा कि मैं दीपक शर्मा बोलूँ हूँ और आपके पापा ने फादर ने कहा है कि अपने आपके अकाउंट में मैं 10,000 रुपये डाल रहा हूँ इस चीज़ पे। तो देखो पहली बात तो मेरे पापा इन चीज़ों का मेरे पापा ने बेरा ही कौन कि गूगल पे वगैरह चलाने का और दूसरा मेरे पापा कदे भी मतलब किसी तरह ना पीछे उधार लिया करता ना कदे लेना देना मतलब न्यू वो कराया करता इतना भी हाँ किसी पे देना है तो गूगल पे नहीं चलाता वो घर पर मेरा नंबर क्यों देगा जब और रही मारा घर में इतने जेंट्स भी हैं इतने आदमियों का फोन और रहा तो मेरे पापा घर का नंबर क्यों देगा है तो यह चीज़ भी आप समझ को अगला बंदा बोले कि बात भी इतनी इसी करे हैं कि हाँ अगले के जचे जाओ कि तेरे पापा ने गया है अपना इस पे गूगल पे चल रहा है कि तेरा 10,000 रुपये करूँगा तो यह बहुत जगह बन ली कई जगह हमारे गाँव में भी है कई बंदे अगले हो लिया है और कि एक बार तो नहीं कहा है कि आप कदों पीछे भेजने हैं फलाने बंदे ने कहा है आपके पापा ने कहा है मम्मी ने कहा है जो भी हो मतलब कहाँ के उसने कहा है इतने पीछे तेरे पापा अपने लिए थे उधारे थे और आज मैं आप वापस करूँ तो आप अपना गूगल अकाउंट दे दो गूगल पे नंबर दे दो या फिर पेटीएम जो भी है उसका नंबर दे दो अब पापा के करो कि उसमें नंबर दे दें हाँ कि यहाँ इस पर भेज दो वह उन बाद में वह क्या करेंगे कि अगर वो बंदा नहीं कि 10,000 रुपये ले लो 10,000 रुपये थे जो अगर 5,000 रुपये हैं तब 5,000 रुपये अगर वो भेजेगा नहीं मतलब तो वो क्या करेगा कि 2 0 और फालतू बिना काम अपना उस तरह लगा दे है कि हाँ फिर उन्होंने कहा कि गलती तो मेरे तो वह तो 50,000 पहुँच गए 45,000 आप मेरे खाते में वापस कर दो
तो जितना आप वापस करोगे डिटेल उसका दोरा सारी जय ले वो है खो ले आपका जो अकाउंट है और उसमें तो पूरे पीछे डिलीट हो ले है। तो इस चीज़ का आप मैं पहली तो करने आया था इनमें करना चाहूँ कि उन्हें कुछ नहीं मिलना इन ये सब कर करना। तो भाई प्लीज़ किसी भी किसी की पेट पर लात ना मारो, किसी की सारी उम्र की जो कमाई है कि मेरा को कौन मतलब किस किस चीज़ खातर ने सपने पिरो पिरो का दर है भी हाँ ये 2 रुपये हैं मैं अपने छोरे की शादी में लाऊंगा, इस चीज़ में लाऊंगा, घर बनाने में लाऊंगा, मेरा ने किस चीज़ खातर 2 2 रुपये करके ना वो जोड़ का दर है और तम ने 2 मिनट लाग गए है कि उस चीज़ ने मतलब सारे पीछे ले जाओ और उस बंदा की पूरी ज़िंदगी कमाई जो है आप उसकी ले जाओ हो तो उसका दौर है मतलब उस बंदा पर के बीत दी होगी। या चीज़ देखो आप अपना खुद पर लेकर देखो कि आपकी अगर पूरी ज़िंदगी की कमाई अगर आपकी कोई लेकर चले जाओ तो आपने किसा फील होगा यह देखो आप। तो इन सब चीज़ों ने छोड़कर और बढ़िया डाल अपनी मेहनत करके ना खाना चाहिए, किसी गल्ला भी फ्रॉड करके हम अपना भला नहीं कर सकते, किसी गल्ला भी किसी गल्ला बुरा करके ना अपना भला नहीं कर सकते। और भाई बाकी मैं यह कहना चाहूँ कि इन सब चीज़ों से मतलब बच कर रहो, जो भी मतलब अगर अननोन नंबर तक कॉल आवे तो कम से कम उठाया ना करया करो आप। अगर आपने बेरा हुआ तो आप पहली उसने अगर ठीक है उठा भी लो तो उसने किसी भी प्रकार की अपनी जो गूगल अकाउंट की है या फिर किसी भी अकाउंट की जो नंबर है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देनी, इससे आप बहुत बड़े फ्रॉड होने से बच सको हो। तो मैं आप सबने भी सचेत करना चाहूँ क्योंकि मेरे गल्ले भी बन ली है, मैं तो बच गई क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया कि इस पर मेरा कौन ही चलता। और उसके बाद में मैंने मेरे पापा द्वारा फ़ोन भी कराया और पूछा कि आपने किसे पीछे देने के कहा है तो ना, फिर मेरे पापा ने भी उसका दौरा फ़ोन करके बोले मैंने नंबर भेज मैंने नंबर भी भेजा मेरे पापा द्वारा, मेरे पापा ने फ़ोन मिला के देखा भी है तो आगे तो उस बंदे ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया करया। और फिर मेरे पापा ने कह दिया कि फ्रॉड है तो उस बंदे ने अपना नंबर बंद कर लिया, कोई रिप्लाई नहीं करया ना वह ठंडे और वो नंबर आप ना उसका आप ट्रैक कर सकते कुछ नहीं कर सकते। एक बार अगर आपका साथ फ्रॉड हो गया तो उसके पास बाद में ना तो आपके पास कोई सबूत बचेगा कि आप उससे पीछे वापस ले उसको। तो मेरी यही वो है कि अपना जो भी है बचा कर रखो और किसी भी अपने पर्सनल जो हो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है किसी ते भी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, किसी ते भी मतलब शेयर नहीं करनी चाहिए। मैं पहली बात तो यह कहूँ जिस पर अपना पूरा ट्रस्ट हो पूरा विश्वास हो भी हाँ यो बंदा यो नहीं कर सकता तो उसे पर मतलब जिस पर आप हो न्यू एकदम तक सुन कर ना किसी भी दौरा भी किसी का दौरा कोई भी इन्फॉर्मेशन ना दो। तो ठीक है इसी के साथ है मैं ब्लॉग ना उरे एंड करूँ हूँ और मिलेंगे हम कल नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बस उरे इतना ही है और उम्मीद करूँ कि आपने ब्लॉग बढ़िया लग गया होगा पसंद आया होगा तो ब्लॉग ने लाइक कर दियो शेयर कर दियो और कमेंट करके बताइए कि किस किस के साथ में ये फ्रॉड हुआ है। भाई मैं इस फ्रॉड का शिकार हो चुकी हूँ इस फ्रॉड का मैं, तो आप भी बताइए। और मैं यह कहना चाहूंगी आप सब बच कर रहियो इसे इसे फ्रॉड आता है ताकि जो आपने जो भी जमा पूंजी जो कर रखी है वो आपने सुरक्षित रह सके, जो भी आप करना चाहो जिंदगी में वो हासिल कर सको। तो ठीक है जी उरे बाय बाय टाटा और कल मिलांगे नए व्लॉग का सेती नए दिन की सेती नई सुबह का सेती और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड नाइट जय हरियाणा जय हरियाणवी।